चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा चुका है और अब हमारे देश में फैलना शुरू कर दिया है। अब सैकड़ों की तादाद में लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और आज लखनऊ के KGMC में एक 25 साल के नौजवान की कोरोना से मौत हो गई। वहीं फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर देश के हालात को लेकर बहुत ही भावुक हो रहे हैं। न्यूज़ टाइम नेशन को उन्होंने अपना एक वीडियो भेजा है जिसमें शक्ति कपूर का दर्द साफ देखा जा सकता है। आखिर क्या कुछ कहा सुपरस्टार शक्ति कपूर ने, आइए आपको दिखाते हैं। इटली के अंदर एक बुजुर्ग 93 इयर्स का हॉस्पिटल से ठीक होकर जब बाहर निकल रहा था तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एक दिन का वेंटिलेटर का बिल देना है 5,000 रुपया। उस बुजुर्ग की आंखों में पानी आ गया तो डॉक्टर बोला क्यों आपके पास पैसा नहीं है? बोला पैसा मेरे पास बहुत है लेकिन आज एक बात का एहसास हुआ मेरे को कि मुझे भगवान का कितना बड़ा बिल देना है जिसने सारी जिंदगी मुझे फ्री का सांस लेने का मौका दिया। आज देखो वेंटिलेटर के लिए भी मुझे सांस लेने के लिए भी पेमेंट देनी पड़ रही है। ये बात मेरे दिल में बहुत गहरी तरह बैठ गई कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं। सिर्फ हॉस्पिटल जब जाते हैं फिर सोचते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें, घर में रहें और अपनी लाइफ की कीमत समझें। स्टे एट होम।